दोस्तों बायबैक क्या है, ये मैंने आईपीओ में शेयर दिए एज अ कंपनी और बायबैक में ये मैंने वापस लिए। हम दोस्तों समझेंगे बायबैक क्या होता है, इसे अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम टीसीएस का बायबैक लेंगे क्योंकि आज आप लोग उसे अप्लाई करने वाले हो। टीसीएस का ऑफर क्या है ये हम समझेंगे जिससे भविष्य की ऑफर को आप समझ सको। टीसीएस की टाइमलाइन समझने का प्रयास करेंगे, बायबैक वाली कंपनियां कैसी होती है, टीसीएस प्री बायबैक पोस्ट बायबैक कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे। रेडी फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक का वीडियो, अगर आपको लगता है आपको उपयोगी है जरूर इसका लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हो कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं बायबैक क्या होता है। जैसे दोस्तों कंपनियों बड़ा बनने के लिए फंड रेज करती है तो आईपीओ एक जरिया होता है फंड रेज करने का। अपने जो शेयर्स होते हैं ये आपको दिए जाते हैं और फंड रेज किया जाता है कंपनी द्वारा। उसी का ऑपोजिट होता है बायबैक। दोस्तों जब कंपनी अच्छी खासी स्टेबल हो गई होती है, कंपनी के रिजर्व तगड़े हो चुके होते हैं, हो सकता है कंपनी बायबैक ऑफर लाए। बायबैक ऑफर में कंपनी आपको एक ऑफर करती है पैसे की कि ये लो पैसा और मुझे शेयर वापस दे दो। तो इस केस में कंपनी अपने फंड का इस्तेमाल करती है शेयर्स वापस से खरीदने में। इससे कंपनी को क्या लाभ है? दोस्तों कंपनी को क्या लाभ है हम सीधा टीसीएस से समझने का प्रयास करेंगे उसके उदाहरण में। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं दोस्तों, कंपनियां ये करती है जिससे आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाए और कंपनी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग बढ़े, प्रॉफिट बढ़ेगा उससे तेजी से अर्निंग यानी अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़ सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकता है। ये कैसे ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो बायबैक के मेन तीन की पॉइंट हुए दोस्तों। पॉइंट नंबर वन, कंपनी अपने शेयर को रीपर्चेस करती है। पॉइंट नंबर टू, इससे नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं, ईपीएस बढ़ जाती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट नंबर थ्री, इन्वेस्टर को सीधा मैसेज जाता है कि ये जो कंपनी है ये कैश रिच कंपनी है, इसे बार बार पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका विपरीत होता है राइट इश्यू। दोस्तों राइट इश्यू और बायबैक में एक मेजर डिफरेंस होता है। बायबैक में कंपनी ने कहा लो पैसा मेरे शेयर मुझे वापस दो। राइट इश्यू में होता है कंपनी कहती है यार पैसे की कमी है, दो पैसा और शेयर लो, आपके पास 10 शेयर है लो दो और शेयर में देता हूं मुझे पैसे दो। बायबैक क्या हुआ, आपके पास 10 शेयर है लो एक दो शेयर मुझे वापस दे दो पैसा पकड़ो। तो ये दोनों का डिफरेंस है। राइट इशू बार बार लाने वाली कंपनी की इमेज क्या होती है कि कंपनी को बार बार फंडिंग की जरूरत पड़ती है। बायबैक बार बार लाने वाली कंपनी की इमेज ऑपोजिट होती है। इन्वेस्टर सोचते हैं यस ये बायबैक कंपनी बार बार ला रही है मतलब कंपनी के पास सफिशियंट फंड है, पॉजिटिव कैश फ्लो की कंपनी है। राइट में प्रॉब्लम होता है, कंपनी के सामने इंप्रेशन होती है कि नेगेटिव कैश फ्लो भी शायद हो सकता है या तो फिर डेब्ट काफी आई होगा जिससे ये फंड रेज करने की जरूरत पड़ रही है। इससे दोस्तों सीधा मतलब है बायबैक इज पॉजिटिव फॉर कंपनी, राइट्स माइट नॉट बी पॉजिटिव फॉर कंपनी, पर ये केस टू केस देखना चाहिए। कई बार राइट्स की जबरदस्त जरूरत होती है, सामने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना हो जाए उसके लिए तो कंपनी फंड रेज करती है। हर राइट गलत नहीं होता है लेकिन ज्यादातर राइट्स अच्छे भी नहीं होते। दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बायबैक, ये बायबैक क्या होते हैं कैसे होते हैं।
दोस्तों बायबैक अलाउ करते हैं कंपनियों को खुद में इन्वेस्ट करने के लिए। जब कंपनी अपने रिजर्व में जो पैसा पड़ा होता है वो रिजर्व के पैसे को इस्तेमाल करती है शेयर्स बाजार से वापस लेने में, तो दो चीजें होती है। एक तो कंपनी की इक्विटी, टोटल इक्विटी जो रिटेन्ड अर्निंग्स की होती है, इतने साल से जो कंपनी प्रॉफिट करते जा रही है, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ते जाते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग का पैसे का इस्तेमाल होता है तो रिटेन्ड अर्निंग नीची होती है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। ये दोनों से अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। कैसे? अर्निंग पर शेयर, कैसे ये फॉर्मूला काम करता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो दोस्तों ये करने से प्रॉफिट तो घटे नहीं या प्रॉफिट बढ़े भी नहीं, प्रॉफिट तो जो है वैसे ही रहे, लेकिन जो नीचे की फिगर थी नंबर ऑफ शेयर वो डिक्रीज हो गए। तो ऑब्वियस है ये करने से, बायबैक लाने से ईपीएस इंक्रीज होता है। वैसे ही दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज होती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की फॉर्मूला क्या है? रिटर्न यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी यानी टोटल इक्विटी, टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस पेड अप कैपिटल, टोटल इक्विटी। अब बायबैक ऑफर लाने से होता क्या है? प्रॉफिट तो उतने के उतना ही रहा ये फॉर्मूला में भी, पर नीचे की जो फिगर है इक्विटी, वहां से पैसा निकला शेयर खरीदने के लिए, तो ये पैसा कम होने के कारण आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो गई। डन दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, हाउ इट वर्क, बायबैक काम कैसे करते हैं। दोस्तों बायबैक दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। एक तरीका होता है टेंडर ऑफर। दोस्तों टेंडर ऑफर में हो सकता है कंपनी ये ऑफर करे कि मेरा भाव चल रहा है 100 रुपया, मैं तुमको 15% ज्यादा रुपया देता हूं, 115 रुपीज देता हूं, आप अपने शेयर मुझे दे दो। तो 15% बेनिफिट पाने के लिए लोग हो सकता है कंपनी के शेयर अपने पास जो है वो कंपनी को वापस दे दे। तो एक हुआ ये टेंडर ऑफर, कंपनी आपसे टेंडर मंगवाती है कि आपके पास इतने शेयर है। कंपनी एक नियम करती है कि अगर 100 शेयर है उसमें से 5 शेयर दे पाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनी अलग रूल करती है और इस नियम के आधार पे आपके टेंडर को लिया जाता है। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे पास 100 शेयर है, मैं 100 में से 5 शेयर देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप टेंडर ऑफर कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी भर सकते हो। दूसरा तरीका होता है दोस्तों ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट में जनरली समय थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि ये सिनेरियो में जो कंपनीज होती है वो ओपन मार्केट से उनको जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले सस्ती, ऑब्वियस है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करेगी, राइट? हमें जनरली किसमें फायदा होता है? टेंडर ऑफर में। चलिए दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं किसका? टीसीएस का। रेडी? तो टीसीएस का करंट अभी बायबैक ऑफर आया हुआ है। जैसे दोस्तों जनरली हम आईपीओ की इंफॉर्मेशन लेते हैं आरएचपी से, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से, वैसे ही बायबैक की ऑफर हम ले सकते हैं लेटर ऑफ ऑफर से। जो ये लेटर ऑफ ऑफर हो सकता है, अगर आप लोगों के पास शेयर हो तो आपके घर ये डिलीवर अब तक हो चुका होगा। तो लेटर ऑफ ऑफर को ही देखते देखते हम टीसीएस का उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले टीसीएस ने यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है ये कॉलम में नाम के नीचे कि कंपनी का बायबैक में ऑफर क्या है। दोस्तों कंपनी क्या ऑफर कर रही है? 1 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है और कंपनी ने कहा है हम 4 करोड़ शेयर वापस लेंगे। तो 4 करोड़ शेयर यानी कितने हुए? दोस्तों कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं ये कैसे जान सकते हैं? कंपनी की पेड अप कैपिटल 369 करोड़ की है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है, तो टोटल कितने शेयर हुए टीसीएस के? 369 करोड़। तो 369 करोड़ शेयर में से कितने वापस लेने वाले हैं दोस्तों? 4 करोड़ शेयर।
यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों करीबन 1% शेयर टीसीएस के टीसीएस की कंपनी वापस ले लेगी, राइट। तो वह 4 करोड़ शेयर टीसीएस लेगी और 4,500 रुपए के दाम पे ये लोग खरीदेंगे। दोस्तों अभी उसका भाव हो सकता है चल रहा हो 3500 रुपए, तो आपका टीसीएस 3500 का है पर कंपनी कितने में ले लेगी, 4500 रुपीज में ले लेगी, ये उन्होंने अपने लेटर ऑफ ऑफर में कहा है। तो कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपया यूज करने वाली है टीसीएस। ये है दोस्तों मैक्सिमम फिगर 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ रुपए यूज करेगी टीसीएस अपने रिटेन्ड अर्निंग में से, और ये 18,000 करोड़ से बाजार में से शेयर ये लोग लेंगे। सो दिस इज द ऑफर। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात टीसीएस के बायबैक प्रोग्राम की। हमें बायबैक, अगर हमारे पास टीसीएस है और हम बायबैक का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम शेड्यूल को समझना होगा। दोस्तों फ्रंट पेज पे आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैं अंदर के पेज पे गया, थर्ड पेज पे यहाँ पे शेड्यूल और एक्टिविटीज दी हुई है। दोस्तों सबसे पहले 12 जनवरी 2022 को टीसीएस ने बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूव किया प्रपोजल कि हम 4500 पे शेयर को बायबैक करेंगे, 18,000 करोड़ रुपया मैक्सिमम यूज करेंगे। उस समय भाव क्या चल रहा था, चलो देखो, देखो चार्ट में बताओ मेरे को कमेंट में क्या भाव चल रहा था, कैसे देखेंगे, राइट। देखो 12 जनवरी 2022 को इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाव था शायद 3900 के आसपास, 3800-3900, देख लेना आप चार्ट पे। अब 3800-3900 का भाव था, इन्होंने 4500 रुपीज आपको बायबैक देने का कहा। मतलब जनरली हम लोग ये देखते हैं कि कंपनियां 15-1% की बायबैक ऑफर देती है टीसीएस, हमने ये बरसों से टीसीएस के केस में स्टडी किया है। अब अगर 15% आपको बायबैक ऑफर टीसीएस ने दी हुई है, कितनी बताई मैंने 15%, तो वो तो अनाउंसमेंट के डेट की थी। अभी क्या भाव चल रहा है, अभी तो भाव और नीचे चल रहा है, राइट। तो अभी आपका भाव होगा 3600 रुपए का, अभी आपको 15% नहीं मिलेंगे, उससे भी ज्यादा मिलेंगे जब आप बायबैक में देते हो तो, राइट। तो एक थी ये बोर्ड मीटिंग अप्रूवल डेट, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, सेम वही तारीख 12 तारीख को पब्लिक में अनाउंस कर दिया था कि भी हम बायबैक ला रहे हैं। रिकॉर्ड डेट उन्होंने अनाउंस की थी। दोस्तों रिकॉर्ड डेट एलिजिबल शेयर होल्डर की क्या थी, 23 फरवरी, मतलब 23 फरवरी तक जो खरीदेगा उन्हें नहीं मिलेंगे। 23 फरवरी तक जिनके डिमेट में होंगे वो लोग एंटाइटल होते हैं बायबैक के लिए, राइट। तो अगर 23 तारीख को आपके डिमेट में टीसीएस था तो यस, आप इसके लिए एलिजिबल शेयर होल्डर होते हो। दोस्तों बायबैक की ओपनिंग डेट 9 मार्च है, आज हम ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों 10 मार्च को, तो कल से आपका बायबैक स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर चाहते हो करना तो फटाफट कर लो, राइट। आखिरी तारीख क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट डेट है 23 मार्च। तो ये बायबैक ऑफर 23 मार्च को खत्म हो जाएगा। अब बोलो के कोई बात नहीं, मैं नौकरी से छूट के घर जाके 8 बजे कर लूंगा, नहीं चलेगा। 23 मार्च शाम को 5 बजे आखिरी एक्सेप्टेंस टेंडर का होगा, तो 5 बजे सारी चीजें क्लोज हो जाएगी, राइट फ्रेंड। दोस्तों अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं जो है बायबैक एंटाइटलमेंट, कौन कितने शेयर के लिए एंटाइटल होता है। दोस्तों यहां पे क्लियरली नोट किया गया है कि कैटेगरी ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर्स, रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर कौन है दोस्तों, रिकॉर्ड डेट क्या थी, 23 फरवरी, तो 23 फरवरी को जो क्लोजिंग प्राइस था, मान लीजिए 3900 था तो 3900 गिनो, जो हो वो 23 फरवरी के क्लोजिंग प्राइस का अगर आप अपने शेयर का वैल्यूएशन करो तो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो शेयर है वो 2 लाख या उससे कम है
तो आप कहलाओगे स्मॉल शेयर होल्डर। ऐसे केस में 7 में से एक शेयर हम वापस दे सकेंगे। अगर ऑन द क्लोजिंग बेसिस हमारे पास 2,00,000 से ज्यादा के शेयर थे तो हम किस में गिनाएंगे, हम जनरल कैटेगरी ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर गिनाएंगे। इन केस में दोस्तों हम 108 में से एक शेयर ऑफर कर पाएंगे। तो बिल्कुल सीधी गिनती है दोस्तों, स्मॉल शेयर होल्डर्स 7 में से एक शेयर बायबैक करेंगे, बायबैक में दे पाएंगे। जनरल शेयर होल्डर्स 108 शेयर में से एक शेयर बायबैक में दे पाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो अभी एक बड़ा प्रश्न आता है कि अरे मैं कैसे चेक करूं कि मैं एंटाइटल हूं कि नहीं, हमने तो भाव भाव देख लिया, राइट? अभी आपके पास कितने शेयर पड़े उसका भाव नहीं देखना है। 23 फरवरी को आपके डीमैट में कितने शेयर थे, आज आपके पास 100 हो सकते हैं, उस समय 50 थे, तो जो जितने शेयर आपके पास थे 23 को उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर भी ये सब टेंशन मत लो, हमने वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करो, पान नंबर डालो, कितना शेयर टीसीएस बायबैक में लेगा आ जाएगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज लोग जानना चाहते हैं कि मैं तो बायबैक दूंगा या नहीं, मैं डिसीजन लूंगा, लेकिन टाटा खुद क्या कर रहा है, टीसीएस के प्रमोटर कौन है? तो टीसीएस के प्रमोटर है टाटा सन्स। तो टाटा सन्स क्या वो बायबैक का फायदा उठाने वाले हैं? हम दोस्तों देखेंगे कि क्या वो उठाने वाले हैं और पास्ट बायबैक में भी क्या उन्होंने फायदा उठाया कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। पर पहले ये देख लेते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी के प्रमोटर क्या करने वाले। देखो पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, टाटा सन्स ये बायबैक ऑफर में टेंडर करेंगे 2,88,62,815, राउंड फिगर देख लो, 2.9 करोड़ शेयर्स के लिए आपके टाटा सन्स एलिजिबल हो रहे हैं, राइट? इनके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो है ये अपने 11,055 शेयर को टेंडर प्रक्रिया में यूज करेगी। तो टोटल अगर प्रमोटर भी हम देखें तो 2.9 करोड़ शेयर्स अपने वो लोग भी बायबैक में फायदा उठाने वाले हैं। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, 2.9 करोड़ शेयर इनके पास कितने हैं यार, वो भी डिटेल दिया है। टाटा सन्स के पास 266 करोड़ शेयर है, इसलिए वो एंटाइटल हो रहे 2.9 करोड़ में। टाटा इन्वेस्टमेंट के पास 10,24,000 शेयर्स है और वो अपने 11,000 शेयर्स को बायबैक में करेंगे। दोस्तों जैसे आपकी टाइमलाइन होती है, जैसे हमारी टाइमलाइन होती है कि मैंने शेयर खरीदा, इतने साल रखा, मुझे इतने डिविडेंड मिले, मुझे इतने बोनस मिले, ये आपकी टाइमलाइन हुई। वैसे हमें प्रमोटर्स की या बड़े निवेशकों की टाइमलाइन देखनी चाहिए, हम उनसे समझ सकेंगे ये कैसे कमाया इन्होंने। यहाँ पे दोस्तों पेज नंबर 12 ऑफ लेटर ऑफ ऑफर में पूरी टीसीएस की टाइमलाइन दी गई है। टीसीएस के पास जो शेयर थे दोस्तों प्री आईपीओ अगर हम देखें, करीबन दोस्तों 32 करोड़ शेयर आपके टाटा सन्स के पास थे। कितने मैंने बताया, 32,79,00,000 शेयर्स टाटा सन्स के पास थे प्री आईपीओ, 1 रुपए की फेस वैल्यू का, राइट? मतलब करीबन 1.55 रुपया ये थी खरीद कीमत आपके टाटा सन्स की। फिर दोस्तों इनका आईपीओ आया, ओ माय गॉड अमेजिंग, एक बढ़िया फिगर यहाँ पे दिख रही है मेरे को, बढ़िया तारीख दिख रही है, 19 अगस्त 2004 को, उस दिन क्या है मेरी बर्थडे, शायद इसीलिए तो मेरा और टीसीएस का विचार एक जैसा नहीं है ना। हमारी बर्थडे के दिन टीसीएस का आईपीओ आया, तो टीसीएस का आईपीओ अप्रोक्सीमेटली 815 या 16 पे आया था, राइट? आपकी जो कंपनी है टाटा सन्स, प्रमोटर ने भी अपने शेयर्स दिए। कितने में इनके शेयर थे, 1.5 रुपए का शेयर था, बरसों से इन्होंने शेयर लिए हुए थे। कब इन्हें मौका मिला थोड़ा सेल करके पैसा बनाने का, 2004 में। तो 2004 में एक तगड़ा पैसा टीसीएस ने अपने प्रमोटर को बना के दिया ड्यूरिंग द आईपीओ, ऑल राइट? लेकिन आप बोलोगे आईपीओ में सब प्रमोटर माल बेच के चले जाते हैं फिर कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
राइट, ये कितने समय से निवेशक है टाटा सन्स, ऑलराइट। 2004 का आईपीओ, 2005 में इन्होंने 1500 रुपए पे थोड़े बहुत बेचे, राइट। 2005 दिसंबर और थोड़े इन्होंने बाय कर लिए। 2006 में बोनस डिक्लेयर हुआ तो बोनस में इनके शेयर बढ़ गए वापस। प्री आईपीओ इनके पास 32 करोड़ शेयर थे, देखो बोनस के बाद वापस इनके पास 39 करोड़ शेयर हो गए, 39 करोड़। मैं आपको इंपोर्टेंट टाइमलाइन खाली बता रहा हूं, जस्ट समझना। 39 करोड़ शेयर्स ड्यूरिंग फर्स्ट बोनस विच वॉज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग अगस्त 9। थोड़ा इन्होंने और माल बेचा, करीबन 5 करोड़ शेयर इन्होंने बेचे 2008 में 1100 रुपए के भाव पे, राइट। अगेन 2009 में बोनस, वापस शेयर डबल, शेयर का भाव आता। तो अब इनके पास शेयर कितने थे, इनको बोनस आया, राइट, 72 करोड़ शेयर हो गए। इन्होंने कुछ और परचेस किए, 48,000 शेयर 1100 रुपए के भाव पे वो समय पे 2011 में। 2017 पहला बायबैक टेंडर ऑफर आया टीसीएस का, जैसा अभी चल रहा है, हमने भी इसका फायदा उठाया था 2017 में। तो 2017 में ये पहला बायबैक था, 2850 पे इन्होंने प्राइस रखा हुआ था। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, वो समय पे भी टाटा सन्स ने करीबन 3,60,00,000 शेयर बायबैक में दिए थे, राइट। इनकी पड़तर तो 1.5 रुपए की थी, बराबर की नहीं, और कुछ इन्होंने और भी एडिशन किए थे 800 पे 1000 पे। अब 2850 पे इन्होंने कुछ शेयर दिए, कितने, 3.60 करोड़। 13 मार्च को थोड़े बेचे सेम 2900 रुपए पे। जून 2018 को अगेन बोनस आ गया, बोनस, राइट, तो बोनस में वापस से शेयर बढ़ गए। सितंबर 2018 को वापस से बायबैक आया, अगेन सेकंड बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, इस बार कीमत थी 2100 रुपए की। तो ये 2100 रुपए का आपका टेंडर बायबैक था, जब इन्होंने करीबन 5 करोड़ शेयर बायबैक में 2100 पे दिए। सोचना, पुराना बायबैक 2800 पे नहीं था, वो प्री बोनस था। ये 2100 अगर आप गिनो तो ये असल में 4200 प्राइस हुआ, अगर आप 2800 से कंपेयर करते हो तो, राइट। अभी 2018 का बायबैक गया, जनवरी 2021 यानी पिछले साल इनका और एक बायबैक ऑफर आया था 3000 रुपए पे, जब टाटा सन्स ने अपने 3,33,00,000 शेयर दिए थे। ये हुई टाइमलाइन। और अभी क्या, अगेन दोस्तों मार्च महीने का ये नया टेंडर, और कितने भाव पे, 4500 रुपीज के प्राइस पे टाटा सन्स के पास करीबन अभी ये समय पे 266 करोड़ शेयर पड़े हुए, 266,91,00,000 शेयर्स पड़े हुए। इसमें से वो 5 करोड़, कितना मैंने बताया इस बार का बायबैक, जस्ट मेरे को देखने दो, या इसमें से 3 करोड़ शेयर वो इस बार बायबैक में देंगे, राइट। तो इसमें बुरा क्या है, उनके पास है उसका करीबन कुछ परसेंटेज शेयर वो दे रहे, उनके पास बड़ा माल पड़ा हुआ है अभी तो। दोस्तों प्रमोटरों की भी लंबी सोच, उनका भी पैसा बना, टाटा की टीसीएस की लंबी सोच, जबरदस्त ग्रोथ करते चले गए, पर हम क्या सोचते, 4500 वाव बढ़िया है, सब दे दो, जितना है हो सके सब, ऐसा नहीं करना है। कुछ शेयर दो, अच्छा प्रॉफिट होता है, पर बाकी माल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जबरदस्त आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों हमने टीसीएस की टाइमलाइन देख ली, अब अपना आता है लास्ट पॉइंट, टीसीएस प्री बायबैक और पोस्ट बायबैक उनके फंडामेंटल में क्या चेंजेस होंगे। ये तो हमने देखा क्या मिलता है, क्या जाता है, प्रमोटर को क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, लेकिन आप बोलते हो ना कंपनी को क्या फायदा ये करके, ज्यादातर लोग तो ये बोलते हैं ना, उनको क्या फायदा है ना, तो चलो उनको क्या फायदा वो भी देख लेते, पर ये उनको यानी ये वो नहीं है, टीसीएस के अगर हम शेयर होल्डर है तो ये हमको क्या फायदा बोलने का, राइट, ये उनका फायदा नहीं, शेयर होल्डरों को क्या फायदा है। दोस्तों सबसे पहली चीज, कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ यानी कंपनी के केस में टोटल रिटेन्ड अर्निंग या टोटल इक्विटी प्लस पेड अप इक्विटी, राइट। तो कंपनी का जो नेटवर्थ 92,40,000 का अभी है, करीबन 1,00,000 करोड़ का
नेटवर्थ कंपनी का है। सोचो पिछले साल के भी बड़े बायबैक प्रोग्राम के बावजूद, 2018 के भी बड़े बायबैक प्रोग्राम के बावजूद तगड़ा रिजर्व कंपनी के पास है। तो 92 लाख करोड़ का जो ये रिजर्व है ये कितना हो जाएगा, 74,039,000। तो करीबन कितना डाउन होगा, ये तो हमने पहले ही देख लिया है कितना कम होने वाला है, 18,000 करोड़ वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रिजर्व पे इफेक्ट क्या पड़ेगी, 74,000 का हो जाएगा। ये तो पिछले साल भी हुआ था। सोचो दोस्तों पिछले साल भी उनका रिजर्व कम हो गया था पर फिर भी रिजर्व बढ़ कैसे गया। दोस्तों टीसीएस कितना प्रॉफिट करती है, करीबन 40,000 करोड़। ये साल भी दोस्तों टीसीएस उतना ही, उससे थोड़ा और ज्यादा। ये साल भी दोस्तों टीसीएस करीबन 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली है। मान लो उसमें से 50% डिविडेंड बांट दिया, 20,000 करोड़ बांट दिया, 20,000 करोड़ दूसरा रिटर्न अर्निंग में बढ़ेगा कि नहीं। तो ये 74 ट्रेंड पर रही है, अभी हो जाने दो, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, वापस से आपका रिजर्व मस्त हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, राइट। आप इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी कह सकते हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो। अभी 40% की टीसीएस की है, ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इक्विटी कम हो गई, 18,000 करोड़ निकल गए ना। तो रिटर्न एंड ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली 39.6% से बढ़ के 49.2% हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों ईपीएस, मेरे हिस्से की अर्निंग, देखो प्रॉफिट कभी बायबैक से नहीं बढ़ते पर इंडिविजुअल शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ जाती है। ईपीएस जो अभी आपकी है 77 रुपीज की, 76.8 है इनफैक्ट, वो बढ़ के 78 रुपीज की हो जाएगी। तो ये 1 रुपया प्रॉफिट नहीं बढ़ा पर आपकी अर्निंग क्यों बढ़ी, क्योंकि शेयर होल्डर कम हो गए, राइट। तो ईपीएस में बढ़ोतरी होती है, आपका जो पी होता है वो कम होता है। हालांकि मेरे को यहां पे पी लिखना नहीं है, बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली जो अभी 250 रुपीज की है, राइट, वो कितनी हो जाएगी, चलो कितनी हो जाएगी वो आप गिनो ना गिनो, मेरे को इतना तो बताओ, बुक वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी। सोचो बुक वैल्यू कैसे गिनी जाती है, टोटल रिटेन्ड अर्निंग, टोटल इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग प्लस इक्विटी, तो टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कम होंगे थोड़े, कितने, 1%, राइट, इतने कम होंगे ना शेयर होल्डर, उसके सामने रिजर्व कम हो जाने वाली है थोड़ी ज्यादा। तो बुक वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, लिखो कमेंट में, चलो पहले मैं देखता हूं, यस कि नो। बुक वैल्यू दोस्तों इनकी घट जाएगी, 250 रुपए की बुक वैल्यू 203 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है टोटल इक्विटी ज्यादा कम हो रही है, शेयर होल्डर कम कम होंगे, राइट। तो यही वो चीज है जो हमें समझनी चाहिए, कंपनी को प्री बायबैक पोस्ट बायबैक क्या फर्क पड़ेगा, डेप्ट टू इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, बताओ मेरे को, चलो डेप्ट टू इक्विटी, हाँ क्या फर्क पड़ेगा डेप्ट टू इक्विटी में। दोस्तों जब ये चीज रिलायंस ने की थी बायबैक, तब रिलायंस में फर्क पड़ा होगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिगड़ा होगा, क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी, ये जो इक्विटी है ये घट जाती है बायबैक करने से, राइट। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिगड़ता है, पर टीसीएस के केस में, टीसीएस तो डेप्ट फ्री कंपनी है, वैसे भी टीसीएस की कोई डेप्ट नहीं है, तो ये डेप्ट टू इक्विटी में कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। दोस्तों शेयर कम हो जाएंगे तो थोड़ा हमारा स्टेक भी बढ़ेगा, जैसे प्रमोटर का अभी 72.19% स्टेक है, वो 72.30 हो जाएगा। एफआईआई कितने हैं यहां पे, एफआईआई अभी 14.48% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 7.63% स्टेक है, रिटेल के पास 5.70% है। ये सबका टोटल करें अभी ये
27.70 हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन पेज नंबर 15 पे दी हुई है। पेज नंबर 15 में दूसरी इंफॉर्मेशन, इनके पुराने जो बायबैक थे उसमें कितने बायबैक लिए थे, देखो इस बार तो कितना है, 4 करोड़ शेयर ले रहे। 2018 में इन्होंने 7.6 करोड़ शेयर वापस लिए थे, 2020 में 5.3 करोड़ शेयर वापस लिए थे। आप में से जो लोग रिसर्च करते हैं, फेयर वैल्यू गिनते हैं कंपनी की, आपको ये पेज नंबर 18 काम लग सकता है, जहां पे पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कब बोनस आया, कब स्प्लिट हुआ, कि कब इन्होंने बायबैक किया, ईच एंड एवरी थिंग काम लग सकता है। फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टॉप दिस वीडियो, कंपनी के डेटा पे एक नजर कर लो। TCS 2019 में 1.3 लाख करोड़ का टर्नओवर करता था, ये पिछले साल 1.41 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, ये साल ये 1.5 लाख करोड़ पार हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे बहुत प्राउड फील होता है TCS के लिए, क्योंकि हम बरसों से ये कहते हैं कि TCS एक ऐसी कंपनी होगी जो सबसे पहले 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। ये आज से नहीं, बरसों पुरानी हमारी बात है, हम इसमें गलत हुए। हम क्या कहते थे, TCS सबसे पहले 50,000 करोड़ पहुंचेगी। कौन पहुंच गया? आपकी रिलायंस पहुंच रही है, राइट? इट्स ऑल राइट, रिलायंस TCS से पहले पहुंच गई, बट स्टिल TCS दूसरे नंबर की कंपनी होगी 50,000 करोड़ पे पहले पहुंचने में। TCS दूसरी कंपनी होगी रिलायंस के बाद 50,000 करोड़ पहुंचने में। ये साल ही 40,000 करोड़ का प्रॉफिट पार अगेन हो जाएगा। दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में मेरा 10 साल पहले का समय देखूं, तब भी जब हम लोग TCS रिकमेंड करते थे, लोग कहते थे पीयूष भाई बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, ये नहीं बढ़ेगी। अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग मैं इसलिए कहूंगा कि जब मैंने रिसर्च किया TCS का, मैंने पाया कि ये TCS 15% के ग्रोथ से अपने धंधे और प्रॉफिट को बढ़ा पाई है, 15 to 20। इनफैक्ट इसका ग्रोथ इंफोसिस से भी स्ट्रांग है। पर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि इंफोसिस ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए, राइट? ये ज्यादा अच्छे इसलिए दिए क्योंकि इंफोसिस की हिस्ट्री लॉन्ग है, वो लॉन्ग हिस्ट्री को कंसिडर कर रहे हैं। TCS का IPO तो अभी 2006 में आया, तो वो कम हिस्ट्री में वो रिटर्न इंफोसिस के मुकाबले कम दिखता है। बाकी सबसे बढ़िया रिटर्न दोस्तों IT कंसल्टिंग इंडस्ट्री में आपको TCS ने दिए है। इन्फो इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, पर अगर आप खाली चार्ट देके रिटर्न देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ कंपनियां जैसे IT कंसल्टिंग में आप देखो तो आपकी विप्रो, TCS, इंफोसिस, ये सब कंसिस्टेंटली बरसों से डिविडेंड दे रहे। हालांकि इंफोसिस और TCS का परफॉर्मेंस बाकी सबसे एकदम बढ़िया है, ये ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ये ज्यादा डिविडेंड देते हैं, ये ज्यादा बोनसेस और बायबैक्स की ऐसी ऑफर्स लाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बीत चुके हमारे भी, और हमने पाया, यस वी वर प्राउड दैट वी टूक द डिसीजन ऑन बाइंग TCS। दोस्तों, कम वॉलेटिलिटी और हाई डिविडेंड यील्ड, हम यहां पे कोई टिप देने के लिए नहीं है। आप जो चाहे वो कंपनी में निवेश कर सकते हो अपने डेटा एनालिसिस के हिसाब से, ये सिर्फ मैंने एक बात रखी है, राइट? दोस्तों, ये सारा डेटा हमें कहां से मिला? ये सारा डेटा BSE इंडिया में, TCS में जाओगे आपको लेटर ऑफ ऑफर मिलेगा। ना किसी की बात सुनने की जरूरत है, ना मेरी सुनने की, आपको हर एक चीज इसमें से मिलेगी, राइट? सो IPO में क्या काम लगता है? RHP, बायबैक्स या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो उसमें क्या काम लगता है? ये डेटा, राइट? दिस वॉज ऑल फॉर माई सेल्फ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये समय बिताने के लिए। आप लोग अगर इसी प्रकार से एनालिसिस सीखना चाहते हैं, हर 2-3 महीने में हम नई बैच स्टार्ट करते हैं। मार्च महीने में 16 मार्च से हम इस साल की आखिरी बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो 16 मार्च में आप सबका स्वागत है। इफ यू वांट टू लर्न एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, जय हिंद।